मुझे बहुत ही अफसोस हुआ है, आज पूरे जम्मू कश्मीर के बब्बरसर के लोग आज अंधेरे से डूब रहे हैं। यह शर्म की बात है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने, मोदी जी ने और अमित शाह जी ने बोला कि यह डिजिटल इंडिया है, नया कश्मीर है। कहां है आज नया कश्मीर? आज पूरे कश्मीर के लोग सफर कर रहे हैं, यहां तो अंधेरे से डूब रहे हैं। कब तक ये तानाशाही सरकार हम कश्मीर के लोग बर्दाश्त करेंगे? आज हर तरफ के कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जाति हो रही है, चाहे मुलाजिम है चाहे गरीब के लोग। आज पहाड़ियों पर लोग रहते हैं, उनके पास मोमबत्ती के लिए पैसे नहीं है, कहां से? ये देखो मेरा हाल, ये तो बब्बरसर का हाल। आज मोबाइल लाइट से मैं बाइट दे रहा हूं। ये तो पूरे हर डिस्ट्रिक्ट से बब्बरसर को फोन आ रहे हैं कि शफी साहब हमको लाइट नहीं है। कब तक ये बर्दाश्त करेंगे? अगर कल तक गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने और चीफ इंजीनियर कश्मीर ने यह मसला हल किया है तो ठीक है। अगर नहीं, बब्बरसर ने वादा दिया है कि कल या तो घंटाघर में मैं धरना पे बैठूंगा या तो मैं प्रेस कॉलोनी पे धरने बैठूंगा। मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूं मनोज सिन्हा साहब से और चीफ इंजीनियर से, ये एक तरफ तो पीटीडी मुलाजिमों को मसला हल करो, दूसरी तरफ यहां गरीब लोगों को बिजली फराहम करो। आज पहाड़ियों पे लोग रहते हैं, उनके पास 5 रुपए की मोमबत्ती के लिए नहीं है, वो इतना सफर कर रहे हैं। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।